अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। प्लांट ब्रीडिंग या डेफिनेशन समझ ले या कॉन्सेप्ट समझ ले, प्लांट ब्रीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन चेंज सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स ओवर टाइम इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टर्स, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन कोई चेंजेस करके प्लांट्स के अंदर तो अपना डिजायर्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर्स बीइंग ए ह्यूमन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी है कि किसी न किसी तरह यील्ड बढ़ जाए और फूड सिक्योरिटी पे हम काबू कर पाए। जैसे कि कॉर्न की एग्जांपल लें, इसमें प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत वर्क हो चुका है, तो जो इसका वाइल्ड रिलेटिव्स है या फोर फादर्स है टियोसेंटी के नेम से ही साइंटिस्ट इसको करते हैं कि जी जो वाइल्ड कॉर्न थी या जिससे जो मॉडर्न कॉर्न है जिससे ओरिजिनेट हुई है तो टियोसेंटी था, तो इंटरमीडिएट्स, तो बाद में इस तरह उसकी डेवलपमेंट होती गई थ्रू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को यूज करते हुए या क्रॉसिंग करते हुए, तो आजकल हमारे पास ये मॉडर्न कॉर्न है। तो इस तरह ये एक इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी है और इंट्रोड्यूस कर लिया हमने जो डिजायर्ड कैरेक्टर था हमारे पास। डोमेस्टिकेशन कहाँ से हुई, प्लांट ब्रीडिंग की स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली इटसेल्फ है क्या चीज और स्टार्ट कहाँ से हुई और किसने ही इसको स्टार्ट किया। प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज बिगिन एट लीस्ट 10,000 years ago in the fertile crescent with plant domestications. Fertile crescent जिस तरह हिलाल अहमर या चांद की या बरीक या पहली का चांद जो होता है उसको कहते हैं कि ये एक किस्म का एरिया है कि जिसमें इराक, ईरान और दूसरे अरब कंट्रीज शामिल हैं जहां से वीट की या दूसरी मेजर क्रॉप्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, जो एडिबल क्रॉप्स हैं वहां से, तो इस वजह से उस एरिया को इस नेम से जाना जाता है। जस्ट लाइक आपको यहाँ ये नजर भी आ रहा है कि फर्टाइल क्रिसेंट पूरे वर्ल्ड में ये किस तरह का एरिया बनता है। चैलेंजेस, ट्रांजिशन फ्रॉम नोमेडिक टू ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, के एक जो ओल्ड वर्जन था जिस पुराने तरीकों से रहते थे इंसान, उससे निकल कर मॉडर्न तरीकों से रहने लग गए। इंक्रीज प्लांट यील्ड, के जो प्लांट की पैदावार है वो बढ़ाकर इंक्रीज नंबर ऑफ एडिबल प्लांट्स, के एडिबल प्लांट्स जो है उनकी तादाद बढ़ाकर और टॉक्सिसिटी लेवल रिड्यूस करके क्रॉप्स में, तो इस तरह प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज शुरू हुई। तो उन्होंने डिफरेंट क्रॉसिंग प्रोग्राम्स शुरू किए, डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम यूज किए कि जिसमें प्लांट की यील्ड को इंक्रीज किया जाता था, एडिबल प्लांट्स को यूज किया जाता था या उनको इंक्रीज किया जाता था, और ऐसे प्लांट्स जस्ट लाइक जैसे किन्नू, संतरा या माल्टा या दूसरी चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं, तो इनके अंदर टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो कम करके इनको यूज किया जाता रहा डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। अब प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट करने वाले कौन से थे, लैंडमार्क क्या है इसका, कि सबसे पहले जो कैमरेरियस था उसने क्रॉसिंग एज ए मेथड टू ऑब्टेन न्यू प्लांट टाइप्स 1694 में, तकरीबन आज से 400 साल पहले इसने क्रॉसिंग किया डिफरेंट प्लांट्स को और उनको उनके दौरान क्रॉसिंग के दौरान न्यू प्लांट्स ऑब्टेन किए, न्यू वैराइटीज बनाना शुरू किए डिफरेंट क्रॉप्स प्लांट को यूज करते हुए। उसके बाद 1866 में मेंडल्स ने उसने जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी के बारे में बताया कि कोई ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर को ट्रेड को कंट्रोल करने में, एम्पेरिकल एविडेंस ऑन हेरिडिटी। उसके बाद 1923 में, आज से 100 ईयर्स अगो, वेलेस फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड कॉर्न, तो इसने कॉर्न का हाइब्रिड बनाया आज से 100 साल पहले। उसके बाद वाटसन, क्रिक, विल्कन एंड रोजलैन फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में, तो ये इनकी यहाँ थोड़ा सा लैंडमार्क बताया गया कि प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट होने के बाद किस किस ने स्टार्ट की, यहाँ ईयर वाइज, हिस्ट्री वाइज और साइंटिस्ट के नेम और साइंटिस्ट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किसने कहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s में,
चैलेंजेस इंप्रूव वीट एंड मेज टू मीट द प्रोडक्शन नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके जो डोमेस्टिकेटेड फूड थी वो मीट और जो वीट और मेज थी, तो इस तरह उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। तो नॉर्मन बोरलॉग ने हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ लॉजिंग रेजिस्टेंट वीट वराइटीज डिवेल्प की थी, जिससे एक ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था 1960 में, आज से 60 साल पहले है कोई। तो उसने ये किया कि हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ भी थी कि छोटे कद की थी, पैदावार भी बहुत ज्यादा थी, ये यूं कह लें फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव भी थी, लॉजिंग रेजिस्टेंट थी उनके अंदर। प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं, हम जो अभी कॉर्न के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्रॉसिंग से शुरू किया था और हाई यील्ड बनाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग ने ये सारा काम किया। तो ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं कुछ, और आगे हम मॉडर्न मेथड भी पढ़ते हैं इसी लेक्चर में। तो हमें कन्वेंशनल का भी आइडिया होना चाहिए कौन कौन से हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में म्यूटेशन और क्रॉसिंग टू इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, सेलेक्शन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रोथ ऑफ सेलेक्टेड सीड, कि ये एक म्यूटेशन या क्रॉसिंग करा के वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस कराते थे, फिर उसके बाद सेलेक्शन कराते थे उसके मॉर्फोलॉजिकल या फिनोटिपिकली बेसिस के ऊपर, और उसमें से बेस्ट सीड जो था वो सेलेक्ट कर लेते थे, नेक्स्ट उसको ग्रो करते, जैसे कि यहाँ दो डिफरेंट कलर्ड में आपको प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं, इनका क्रॉस करवाते, जो एक और प्लांट उससे डिवेल्प होता उसके अंदर दोनों के करेक्टर मौजूद होते, तो इसमें से कुछ बड़े होते, कुछ छोटे होते, कुछ डिजायरेबल होते, कुछ अनडिजायर्ड होते, तो इसमें से सेलेक्शन कर लेते। तो ये एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स या कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स था। चैलेंजेस क्या था, रिड्यूस द टाइम नीडेड टू कम्प्लीट ए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो जो एक वराइटी को डिवेल्प करने में 8 से 10 साल लग जाते थे, उसका जो टाइम है वो रिड्यूस करना था, कि उसका टाइम जो है रिड्यूस हो जाए और रिजल्ट्स भी हमें बेस्ट मिले, एफिशिएंट रिजल्ट मिले उसको करने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर ये डेवलप किया मॉडर्न टेक्निक्स का। अब मॉडर्न ब्रीडिंग टूल्स हैं क्या, कि कुछ है इन विट्रो कल्चर्स लैब्स में, कुछ जीनोमिक टूल्स हैं जिसके अंदर जेनेटिक्स की स्टडी, जीन मैपिंग की, और इसके बाद जीनोम लेवल पे स्टडी, नेक्स्ट जी जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिसको जीनोमिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इंक्रीज ऑफ ब्रीडिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी एफिशिएंसी, जितने भी ये सारी टेक्निक्स हैं मॉडर्न ब्रीडिंग टूल्स जो इन विट्रो कल्चर, हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस कर भी लिया कि प्लांट प्रोपिकेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स इसी ही चैनल पर अपलोडेड हैं। जीनोमिक टूल्स भी इसी तरह, इसके रिलेटेड भी हमारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, इनकी डिटेल्स क्या है या हम जस्ट एज ए इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस करते जा रहे हैं कि बेसिक इन सब का मकसद क्या होता है, जो मॉडर्न ब्रीडिंग टूल्स हैं इन सब का एक ही मकसद होता है, इंक्रीज ऑफ ब्रीडिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। What is biotechnology? General definition क्या है? The application of technology to improve a biological organisms, a precise process to improve the plants के micro organisms को use करते हुए biological organisms को improve करना, तो ये biotechnology ये एक general है। Detailed definition, the application of technology to modify the biological function of an organisms by adding genes from another organisms। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी मिलती जुलती डेफिनेशन है, और बायोटेक्नोलॉजी में जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी वर्ड यूज करेंगे कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल या कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, यहाँ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि बेसिकली हम बाई एडिंग जीन्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स या मॉडिफाइंग जीन्स या कुछ भी हम करते हैं, तो इसमें ये है मल्टी डिसिप्लिनरी, ये है इन्वॉल्व्स मेनी डिसिप्लिन और ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग ऑल एरियाज ऑफ लाइफ साइंसेस। प्लांट ब्रीडिंग में जस्ट ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड यूज नहीं होती, बाकी जो फील्ड्स हैं जिस तरह प्लांट पैथोलॉजी है, एंटमोलॉजी है या दूसरी लाइफ साइंसेस के रिलेटेड फील्ड्स हैं, जितने भी सब की सब प्लांट ब्रीडिंग में या मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में यूज होती हैं। बायोटेक एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, मेडिसन में बायोटेक का रोल है, एग्रीकल्चर में रोल है, इन्वायरमेंट में रोल है, फॉरेस्ट्री में रोल है, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग में भी इसका
रोल है। किस तरह से रोल है कि जिस तरह हम एंटीबायोटिक को यूज करते हुए मेडिसिन में इसको लेके आते हैं, एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट क्रॉप्स के जीन्स मॉडिफाइड कर देते हैं या और फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं, इन्वायरमेंट पे भी इस तरह डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया या स्ट्रेन यूज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, फॉरेस्ट्री में भी इस तरह से कि जो हमारे पास टिम्बर या जो वुड वगैरह होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए या उनको बचाने के लिए भी इस तरह बायोटेक का यूज हो रहा है। फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेस जस्ट योगर्ट दही वगैरह इन चीजों में हम इन चीजों को सब चीजों को यूज कर रहे हैं। ये बायोटेक की एग्जांपल थी। अब ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग थी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, इनका यहाँ एक कंपैरिजन दिया गया है कि ये ट्रेडिशनल डोनर था, डिजायर जीन होता है इसके अंदर, इसको क्रॉस करवाते हैं जो डोमेस्टिकेटेड या कमर्शियल वैरायटी होती है उसके साथ, तो देन ये आपको कलर डिफरेंट इसलिए दिखाया गया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। अब न्यू वैरायटी मेनी जीन्स आर ट्रांसफर्ड के डिजायर्ड जीन, क्योंकि डिजायर्ड जीन तो हमारा जस्ट ये येलो कलर में आपको यहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये है, बाकी सारे इसके अपने ही जीन्स थे लेकिन हमारा डिजायर्ड ये है। अब न्यू वैरायटी इसमें आ गई, डिजायर्ड जीन हमारा एक था लेकिन इससे हमारे पास बाकी दूसरे जो अनडिजायरेबल जीन्स थे वो भी ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये न्यू वैरायटी में मेनी जीन्स आर ट्रांसफर्ड। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग में प्रॉब्लम समझ लें या ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है ही ऐसी कि इसमें ये चीज साथ लाजमी जानी ही जानी है, जिसमें अनडिजायरेबल जीन ट्रांसफर हो जाए तो उसको लिंकेज ड्रैग बोलते हैं। डीएनए इज स्ट्रैंड ऑफ जीन मच लाइक स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग कंबाइंस मेनी जीन्स एट वंस, के बहुत सारे जीन्स एट अ टाइम इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, यूजिंग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ए सिंगल जीन मे बी एडेड टू दी स्ट्रैंड, कि सिंगल जीन जो है जस्ट वो एड होता है, जैसे कि ये डिजायर्ड जीन है एक सिंगल, इसको ट्रांसफर किया ये कमर्शियल वैरायटी में और ये हो गया ये येलो कलर में आपको शो हो रहा है, ओनली डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड, के ये डिजायर्ड जीन इसमें ट्रांसफर हो गई है, ये फर्क है मेन कि ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग में और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। जो हम चाहते हैं सिंगल जीन्स को या टू जीन्स को, जो हमारा एक डिजायर्ड या टारगेटेड ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट वही ट्रांसफर होता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग है उसमें दूसरे अनडिजायरेबल जीन्स भी या मैनी जीन्स ट्रांसफर होते हैं। एक ये कंपेरिजन है। दूसरा जो कंपेरिजन है ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स है के 7 से 8 साल लग जाते हैं वैरायटी की सिलेक्शन करते हुए F1 to F7-8 तक, और प्लांट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है, ये स्पीडी प्रोसेस है और एफिशिएंट है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ थोड़ा सा फर्क, या इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूं कह दें कि मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड टू एक्सचेंज बिटवीन द सेम और वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये लिमिटेड है, लिटिल और नो गारंटी ऑफ ऑब्टेनिंग एनी पर्टिकुलर जीन कॉम्बिनेशन फ्रॉम द मिलियंस ऑफ क्रॉसेस जनरेटेड। बहुत सारे अगर क्रॉस करा लें तो फिर भी ये गारंटी कोई नहीं होती कि आपका जो डिजायर्ड जीन्स है वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। अनडिजायरेबल जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन्स, अगर डिजायरेबल जीन्स ट्रांसफर हुआ है तो अनडिजायरेबल जीन्स भी ट्रांसफर हो जाएगा और वो जाके वहाँ फिनोटिपिकली प्रॉब्लम काज करेगा। टेक ए लॉन्ग टाइम टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, के ज्यादा अरसा ज्यादा टाइम लगता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, अलाउज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ वन और जस्ट ए फ्यू जीन बिटवीन आइदर क्लोजली और डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप इंप्रूवमेंट कैन बी अचीव्ड इन ए शॉर्टर टाइम कंपेयर टू द कन्वेंशनल ब्रीडिंग, के थोड़ा सा स्पीडी प्रोसेस है। एम्स ऑफ मॉडर्न प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, हम करते क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, प्लांट डिवेल्प प्लांट वैरायटीज विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर सर्वाइवल इन देयर लोकल रीजन्स, के लोकली अडॉप्टेड वैरायटीज डिवेल्प करना, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हायर यील्डिंग एंड लेस एक्सपेंसिव वैरायटीज ये तैयार करना, वैरायटीज इंडोर्ड विद मोर न्यूट्रिशन कॉन्स्टिट्यूशन देन द वाइल्ड टाइप स्पीशीज, ऐसी वैरायटीज तैयार करना जिसमें जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हूँ, वैरायटीज दैट हेल्प टू लिमिट पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट जो क्रॉप लॉसेज है उनको बचाना या उनसे प्रिवेंट करना क्रॉप्स को, नॉवल प्लांट वैरायटीज टू बूस्ट डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट अप करना, ऐसी प्लांट की स्पीशीज या वैरायटीज तैयार करके बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट अप करना, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब टू द फील्ड,
टेस्ट ट्यूब से फील्ड की तरफ लेके जाना प्लांट्स को, जैसे कि हमने टिश्यू कल्चर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसमें ये चीजें शामिल हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब टू फील्ड के फील्ड में कैसे पहुंची, कि जो हम टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में किस तरह, या इन विट्रो कल्चर टेक्निक्स क्या होती है। तो ये एक पूरा प्लांट है जो कि वायरस फ्री है या क्वालिटी रेजिस्टेंट है, या जो भी इसको देख लें समझ लें कि इसको हमने एज ए इन विट्रो इसको प्रोड्यूस किया, इसकी डीएनए या जेनेटिक स्टडी करके फिर ये फील्ड में किस तरह से है, या यूँ समझ लें कि फील्ड से इसकी जेनेटिक स्टडी करते हुए फिर इस जैसे और प्लांट यूज करना। तो सारा कुछ इसमें क्या हुआ, यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इस तरह इसको यूज करके इसकी जेनेटिक मॉडिफाई कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक दैट ट्रांसफर जीन्स ऑफ इंसर्ट टू डिवेलप एंड इम्प्रूव प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। बायोटेक्नोलॉजी टाइमलाइन क्या है, कि बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने स्टार्ट की, कब की और क्यों की और किस ईयर में की। 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिंक ने ये क्रूशियल एविडेंसेस बताया था, और रोजलैंड जी जो थी फ्रैंकलिन, उसकी जो सारी स्टडी थी डीएनए के बारे में, तो इनको समराइज करके एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था 1953 में। 1973 में कैलिफोर्निया बायोकेमिस्ट स्टैनले जॉन एंड हर्बर्ट ने बायर क्रिएट्स द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिजम्स, के फर्स्ट जो था ऑर्गेनिजम्स तैयार किया उन्होंने, पैदा किया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखता था, वर्क दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। 1978 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर वाल्टर गिलबर्ट, एमआईटी प्रोफेसर फिलिप शार्प एंड अदर फाउंड द बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोजिन। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की टाइमलाइन थी। जेम्स और डी वाटसन ने इन्होंने क्या किया था, 1953 में इन साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेटेड द मोलेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। टुगेदर दीज डिस्कवरीज एस्टेब्लिश द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेक्युलर जेमर बायोलॉजी। तो एक मोलेक्युलर बायोलॉजी में, या एक लाइफ साइंसेस में, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेस में एक सेंट्रल डॉगमा बताया कि जिससे डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, देन प्रोटीन पैदा होती है, व्हिच स्टेट्स दैट प्रोटीन्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम आरएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए। दिस डॉगमा हैज सिंस बीन शोन टू हैव एक्सेप्शन सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रेट्रोवायरसेस, के रेट्रोवायरसेस में ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है जिस ये फिनोमेना होता है, अदरवाइज के डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, या यूं कह लें कि प्रोटीन बनती है आरएनए से, आरएनए बनता है डीएनए से, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस करें तो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हिस्ट्री क्या है, क्योंकि मेन जो बायोटेक्नोलॉजी में है जो चीज वो यही है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, के डिफरेंट टाइप्स के जीन्स को इकट्ठा करना, या जीन्स को मॉडिफाइड करना, या जीन्स को उसमें से खत्म, किस तरह से इसको करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए हिस्ट्री। क्योंकि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें क्रॉसिंग होता है, अगर मॉडर्न ब्रीडिंग की बात करें तो जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है तो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहता है। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में भी उसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में क्या वर्क किया था। 1966 में द जेनेटिक कोज इज व्हेन बायोकेमिकल एनालिसिस रिवील्स व्हिच कोडॉन्स डिटरमाइन व्हिच अमीनो एसिड। तो जेनेटिक कोड जो था उसके बारे में डिस्कस किया गया था कि ये अमीनो एसिड के लिए होते हैं। 1970s में हैमिल्टन स्मिथ ने जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल स्कूल आइसोलेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एन एंजाइम दैट कट डीएनए एट ए वेरी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट फर्दर इसके टाइप्स हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर सेवरल मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विल बी आइसोलेटेड। 1972 में स्टैनले ने ये काम किया था कि कंबाइन देयर एफर्ट्स टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस टेक्नोलॉजी विल बी द बिगिनिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसने उसका जो मेथड था वो पब्लिश किया था और उसको पेटेंट किया था। कैसे, किस तरह से किया था, कि जी क्लोनिंग प्लेटफॉर्म क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंड पीसीआर बेस्ड मेथड। कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, डीएनए क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट इनटू ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट सो दैट द डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। यहां से जीएन
जीन आइसोलेट किया। अब ये जो आइसोलेट कर ली है, ये एक पीस, ये टुकड़ा आपको नजर आ रहा है यहाँ जो कर्सर मूव कर रहा है, तो इसकी डिफरेंट कॉपीज बनाना, तो इसको प्लाज्मिड में लेके जाते हैं। जब प्लाज्मिड में लेके जाते हैं तो प्लाज्मिड का ये पार्ट बन जाता है। जब ये पार्ट बन जाता है तो जैसे जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है तो ये इसका पार्ट बना होता है, तो साथ ये भी रेप्लिकेट करता रहता है। तो ये सारा काम बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि सेल्फ रेप्लिकेशन मैकेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये एक इस तरह से जीन क्लोनिंग कर देते हैं हम, कि एक हमारा जो डिजायर्ड जीन था उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं प्लाज्मिड के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू। एक मेथड ये है जो कैरिमोनस ने बताया था, इसका मिलता जुलता मेथड था, वो उसने उसको पेटेंट किया था। वो क्या था? पीसीआर बेस्ड मेथड। पीसीआर बेस्ड ये था कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसको डीनेचर किया, डीनेचुरेशन किया, ये 5 to 3 prime, 3 to 5 prime आ गया, प्राइम एनिमेशन, ये अनिलिंग हो गया, प्राइमर अनिलिंग, फिर उसके बाद उसकी एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद फिर डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर अनिलिंग, तो ये स्टेप चलते रहे। तो इससे एक दो कॉपी बनी, फिर उससे 4, 4 से 16, इस तरह बनते बनते मिलियन ट्रिलियंस कॉपीज बन जाती हैं, जो पीसीआर के बेसिक स्टेप है 3 के, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड इलांगेशन या एक्सटेंशन, उन्हीं को फॉलो करते हुए ये एक कैरिमुलस ने मेथड दिया था। इन जनरल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स फॉल इनटू 2 क्लासेस। जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं जो प्लांट्स के अंदर या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यूज होती है, वो 2 क्लासेस में है कि जीन मैनिपुलेशन एंड जीन इंट्रोडक्शन। अब जीन मैनिपुलेशन के अंदर क्या है और जीन इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई ए जीन फ्रॉम अनदर स्पीशीज विच कंट्रोल्स ए ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मोडिफाई एन एग्जिस्टिंग जीन क्रिएट ए न्यू अलील, के आइडेंटिफाई कर देना जीन को दूसरी स्पीशीज से जो कि एक ट्रेड के लिए कंट्रोल हो रही है, या मॉडिफाई कर देना एक एग्जिस्टिंग जीन्स को। जीन इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोड्यूस दैट जीन्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म। इंट्रोड्यूस मींस एक फॉरेन जीन को, एक और जीन्स को इंसर्ट कर देना, इनकॉर्पोरेट कर देना, एड कर देना। टेक्निक्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह ये जीन इंट्रोडक्शन हो गया, और जीन मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन में जीन मॉडिफाइंग आ जाता है, जीन इंट्रोडक्शन में जीन एडिशन आ जाता है। इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स हम अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करके भी आए हैं कि ये क्या चीजें हैं, कि माइक्रो प्रोपिगेशन, सिमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, हैप्लॉइड प्रोडक्शन, एम्ब्रियो कल्चर, ये सारे लेक्चर्स इसी चैनल पर अपलोडेड हैं, हम डिस्कस कर भी चुके हैं। म्यूटेशनल मेथड, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मोलेक्युलर मार्कर्स, ये सारी आउटलाइन मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग या मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की हैं, कि एक तो उसमें इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड होते हैं, उनके अंदर माइक्रो प्रोपिगेशन, सोमेटिक, हैप्लॉइड, एम्ब्रियो कल्चर, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरे नंबर पे है म्यूटेशन, थर्ड नंबर पे प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मोलेक्युलर मार्कर्स, कि इसके अंदर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट जीएमओ, मोलेक्युलर मार्कर्स, टीडीएनए मेथड्स, हाउ टू बिकम ए रिच मैन विद नोवल मेथड्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और जो फोर्थ नंबर पे कंक्लूजंस, के जी एक आउटलाइन थी कंक्लूजन में वही बात, के जी ब्रीडिंग मेथड्स को एफिशिएंट और स्पीडी बनाने के लिए और डिजायर्ड टारगेटेड जो रिजल्ट्स थे वो लेने के लिए सारे मेथड्स को एज ए प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं, जिसको मॉडर्न टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग के नेम से कहा जाता है। इनको हम अगर कुछ चीजें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। डिफरेंट इन विट्रो टेक्निक्स, इन विट्रो मल्टीप्लीकेशन, क्लोनिंग, ऑर्गन कल्चर, सेल सस्पेंशन, कैनलस, एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट, सोमेस्टिक हाइब्रिडाइजेशन, हैप्लॉइड प्रोडक्शन, एंथर एंड पोलन कल्चर, ओव्यूल कल्चर, डीन जीन ट्रांसफर, द ग्रेटेस्ट प्रोपिगेशन पोटेंशियल प्रोसेस एंड केस स्टडीज। तो इसमें सारी चीजें हम एक ओवरव्यू दिया है यहाँ, ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। Use of tissue culture in breeding, genetic engineering, haploid embryo rescue, cryo preservation, in propagation, micro propagation में, in freeing plant from disease, जैसे कि कसावा वगैरह में, ये एक case study किया गया है। कि जिस तरह हमारे पास ये एक पूरा प्लांट था, उसका एक पार्ट लिया गया लीव से या किसी और प्लांट से, उसको यहाँ डिवेलप किया गया, प्लांट लेट बनाया गया, तो ये एक पूरा जो एक प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर है। तो ऑलरेडी हम इसी ही चैनल पर ये एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के नेम से, उसके अंदर ये सारा प्लांट डिवेलप करते करते
तो ये प्लांट लेट्स बन गया, ये छोटा सा प्लांट बन गया कंप्लीट उसी तरह। तो यहां से पूरा सर्कल चलते चलते हमारे पास यहाँ आ गया। नेक्स्ट, जैसा कि हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन बनाया गया है इसी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के थ्रू, और बीटी कॉर्न बनाई गई है, बीटी कॉटन बनाई गई है, गोल्डन राइस बनाया गया है कि जिसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है बायोटेक्नोलॉजिकल के टूल्स को यूज करते हुए। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड ए टाइप ऑफ राइस दैट एक्यूमुलेट्स बीटा कैरोटीन इन राइस ग्रेन्स। वंस इनसाइड द बेबी बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए। मोर देन 120 मिलियन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम विटामिन ए, कि जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई गोल्डन राइस से। गोल्डन राइस हैज द पोटेंशियल टू हेल्प प्रिवेंट द 1 to 2 million डेथ ईच ईयर कॉज बाई डेफिशिएंसी इन दिस विटामिन। तो ये गोल्डन राइस बनाया गया जिसमें प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है, कि ये जब खाते हैं तो विटामिन ए बनना शुरू हो जाता है। फ्लोरिसेंट प्रोटीन्स भी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के थ्रू बनाई गई हैं, कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसको फ्लोरिसेंट किया गया, उसका फिर कलर या स्ट्रक्चर हमें वाजा हो गया जिससे हमें उसके फंक्शन का आइडिया हो जाता है। अब अगर बात करें मोलेक्युलर मार्कर्स की, मोलेक्युलर मार्कर्स आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर मेजर फीचर्स, क्योंकि फीचर्स क्या है उसकी बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया, सच एज कम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एटसेट्रा। तो इन चीजों को देखने के लिए मोलेक्युलर मार्कर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है। तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलेक्युलर मार्कर्स, देयर एग्जिस्ट टू मेजर सिस्टम फॉर मोलेक्युलर मार्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। इन दिस सिस्टम मोलेक्युलर मार्कर्स डेवलप अप टू नाउ आर डिवाइडेड इनटू 3 जनरेशन, जो उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बेस पे है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन जिसको क्लासिकल साउदर्न ब्लॉटिंग या सदर्न हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर कहते हैं, सेकंड जनरेशन में पीसीआर बेस्ड मार्कर है, थर्ड जनरेशन में जीनोम सीक्वेंस बेस्ड मार्कर है। तो 3 इसकी क्लासिफिकेशन बनाई गई है, 3 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। अब इस सारे लेक्चर्स को जो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग था, कि हमने इसकी आउटलाइन भी डिस्कस की कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, बेसिक हमारा मेन टारगेट क्या होता है, तो जो आज का हमें इस लेक्चर के बाद एक लेसन मिला, जो हमने इस लेक्चर सीखा क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंटल सर्विसेज, प्राइवेट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीडर्स, फार्मर, तो ये सारे एक वर्क कर रहे हैं डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए। क्या कर रहे हैं, आर वर्किंग हार्ड टू ब्रीड प्लांट्स फॉर ए बेटर एग्रीकल्चर विद लेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड इंक्रीज द यील्ड पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अगर आपका इसी लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।